हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में। तो सबसे पहले उसका वीकली टाइम फ्रेम का हम कैंडल्स देखते हैं, यहाँ पे चार्ट देखते हैं। शेयर का नाम है रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब इसमें देखोगे ज़्यादा टाइम तो इसको हुआ नहीं है, ये सितंबर 23 वगैरह में आया था, अभी इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है आईपीओ वगैरह इसका। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखो पहले जो रेंज का ब्रेकआउट आया था वो इस जगह के आसपास का आया था। ठीक है, ये वाला लेवल था एक यहाँ पे जिस जगह का रेंज का ब्रेकआउट आया था। अभी उसके बाद वापस आया, एक ही लेवल का ब्रेकआउट आया इस जगह पर बाद में यहाँ पे। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे वीकली पर अगर हम देखें तो एक वापस स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रही है यहाँ पे। इस वीक में इसने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है, यहाँ पे अप्रोक्स 13% का मोमेंटम दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आज का रोल भी काफी रहता है इसमें। अगर आज का हम देखें यहाँ पे तो इस जगह पर 10% का करीबन तो आज ही चला है अच्छा खासा यहाँ पे। अब इसमें चीज देखो यहाँ पे एक, इसमें क्या हुआ ना, गैप अप लिया। पहले जो यहाँ पे क्लोजिंग आई थी 172.56 के आसपास, गैप अप ओपन हुआ अच्छा खासा यहाँ पे, ये 194 के आसपास 205 का इसने हाई लगाया। पर उसके बाद इसने क्लोजिंग दी थोड़ा सा लोअर साइड में दिए। अब लोअर साइड में क्या होता है ना, फिल्म में देखो जिन्होंने यहाँ से बाय करा हो, कहीं भी किसी भी लेवल पर बाय करा हो, उनको अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला हो इंट्राडे के बाद। इंट्राडे में तो वैसे से ले नहीं पाया, बाकी अगर बीटीएसटी में देखें या स्विंग ट्रेडिंग में देखें तो उनको अच्छा खासा लेवल यहाँ पे देखने को मिला हुआ। ऐसे में प्रॉफिट प्रॉफिट अगर आता है दिख रहा है यहाँ पे, तो किसी ना किसी ने तो बुक करा होगा, उसकी वजह से यहाँ पे एक बार सेलिंग देखने को मिली है। अब इसमें क्या चीज़ होगी यहाँ पे, वो चीज़ हम देखेंगे अभी एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब सबसे मेन जो चीज़ है ना यहाँ पे, इसमें गैप बना है यहाँ पे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें या 5 मिनट के देखें 10 पे देखें तो एक गैप बन गया यहाँ पे इसके बीच में। तो नॉर्मली शेयर्स क्या करते हैं यहाँ पे, एक बार गैप फिल करने आते हैं यहाँ पे। अगर वो पूरा गैप नहीं भी फिल करेंगे तो एक लेवल तक आने की कोशिश करते हैं शेयर्स। हो सकता है अभी नहीं आए, 2-5 दिन में आ जाए कहीं भी, तो हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमें जो लेवल से यहाँ पे वो मार्क करना है। देखो कहीं बार ऐसा भी होता है कि गैप नहीं भी आता फिल करने यहाँ पे शेयर, उस जगह से ही सपोर्ट ले लेता है। तो हमें जो लेवल है वो मार्क करना है। हमारा लेवल क्या आएगा ना यहाँ पे, 188 से लेकर यहाँ पे 186 का लेवल है। इन केस अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहता है तब तक तो ठीक है, अगर यहाँ से इसने ब्रेक करा तो फिर चांसेस हैं यहाँ पे कि ये इस लेवल तो इस लेवल को यहाँ पे 175 से लेकर 176 का जो लेवल है, इस लेवल तक एक बार वापस आने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, अब देखो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जिन्होंने भी पहले ले रखा था यहाँ पे लिया है, उनको अभी प्रॉफिट दिखा था आज, उन्होंने बाई चांस बुक नहीं करा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे जैसे अगर ये लेवल ब्रेक करता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, उनका प्रॉफिट कम होता जाएगा। मैं इसको एक इस तरीके से दिखाता हूँ। सपोज करो यहाँ पे किसी ने लिया है, अभी पहले प्रॉफिट आ रहा था उसको यहाँ पे 16% का, फिर यहाँ पे आते आते 14-15% हो गया, फिर आते आते यहाँ पे 12% हो गया। अब अभी करंट में क्या दिख रहा है उनको, 9%। अब जैसे जैसे अगर ये नीचे आता जाएगा यहाँ पे 7%, 6%, तो उनका प्रॉफिट कम होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो वो अब अगर जिसको बुक करना है तो वो बुक करेगा। जैसे जैसे यहाँ पे बुक करने लगेंगे लोग बाग, वहाँ पे उसका शेयर्स का पैटर्न नीचे आता जाएगा डाउन साइड में यहाँ पे। फिर सपोर्ट लेवल कहाँ दिखेगा उसका, जिन्होंने मिस कर दिया वो कहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे इसको सपोर्ट, यहाँ पे इसी जगह के यहाँ से, क्योंकि इस जगह के यहाँ से ब्रेकआउट आया। सपोज करो किसी ने मिस कर दिया लेने का, तो वो जैसे यहाँ पे 75 के 77 78 के आसपास आने लगेगा, इस प्राइस के आसपास 2-3 रुपये आने लगेगा, तो वो एडिशन का प्लान करने लगेंगे। क्योंकि देखो ये फिक्स कभी भी नहीं है कि अगर इस रेंज से ब्रेकआउट आया तो इसी लेवल पे वापस दोबारा आएगा, फिक्स लेवल पे आएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे इसी जगह के आसपास कहीं ना कहीं आपस से बाइंग देखने को मिल सकती है। पर उसके लिए यहाँ पे एक बार अगर लेवल ब्रेक करे डाउन साइड में आए तब वो देखना। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो उसके बाद पहला रिजेक्शन लेवल तो कहाँ सकता है, वो लेवल आएगा 194 का, उसके बाद बनेगा यहाँ पे 205 का, जो हाई आज का हाई लगाया था यहाँ पे, तो ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे फिर रिजेक्शन का। इस जगह पर ध्यान रखना है आप, क्योंकि वापस से फिर यहाँ पे कोई ना कोई एक बार बेचने की कोशिश करेगा यहाँ पे 195 के यहाँ पे 205 के आसपास। क्योंकि देखो क्या हुआ ना, गलती क्या होती है ना ऐसे में, अब इतना गैप अप हुआ पर कोई ना कोई तो बाय करके बैठा हुआ यहाँ पे। जैसे ओपन हुआ 195 पे, जैसे जैसे बढ़ रहा था तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा, ऐसी कंडीशन में लेकिन बढ़ता नहीं नॉर्मल, तो इतना बड़ा गैपअप हो जाए तो यहाँ पे बाइंग के लिए अवॉइड ही करना चाहिए इसी कंडीशन पे। अब यही सेम कंडीशन पे इसमें किसी ना किसी ने तो बाय करा होगा यहाँ पे बाय करा हुआ, मतलब हर लेवल पे कहीं ना कहीं बाइंग तो हुई होगी यहाँ पे। तो वो जो फंसे होंगे यहाँ पे, वो एक बार यहाँ से एग्जिट करने का प्लान करेंगे, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा अब देखो कितना लॉस दिख रहा होगा, जिससे सब कुछ किसी ने यहाँ ले लिया और यहाँ प्राइस है, तो इंट्राडे में उनको 7-8% का लॉस दिखने लग रहा होगा यहाँ पे, अब ये गलती की वजह से। ठीक है, तो जैसे उनकी प्राइस आएगी तो कहीं ना कहीं वो एग्जिट करेंगे, तो थोड़ा सा एक बार रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे लेवल्स हो गए हमारे आगे के लिए, यहाँ पे डाउन साइड में अगर होता है तो ये वाला लेवल, अप साइड में जाता है तो ये रिजेक्शन के लेवल हो जाएंगे यहाँ पे दोनों साइड के। तो इन लेवल्स को मार्क कर लेना बस, बाकी इसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी टेक्निकल के हिसाब से लगा मुझे, प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।